हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे लैडर लॉजिक में कोई भी हमारा जो है, हम लैडर लॉजिक से कोई प्रोग्राम है हमको क्रिएट करना है, वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे हम वहाँ पर जो है ब्लॉक इंसर्ट करेंगे, कैसे हम NONC इंसर्ट करेंगे। मैं आपको जस्ट 5 सेकेंड में आपको बताऊँगा कि कैसे ये वह सब हो सकता है, कैसे आप इजिली इसको बना सकते हैं। जस्ट सबसे पहले मैं ओपन में जाके अपना प्रोजेक्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का है, मैं इसे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास में ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, यहाँ एप्लीकेशन पार्ट में ओपन करने को लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जहाँ से हमने लैंग्वेज चेंज किया था वहीं प्रोग्राम वन में जाके आपको जस्ट ये ओपन करना है। इसके बाद में हमें चेक करना है कि हमारी लैंग्वेज लेडर की है, तो ओके हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में ये मेरा जो आप पेज देख रहे हैं जहाँ पर मेरे को वर्क करना है, यहीं इस पेज सेटअप के ऊपर ही मेरे को पूरा लैडर लॉजिक हमारा क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं एक नेटवर्क ले लूँगा, रंग ले लूँगा और यह मैंने इंसर्ट कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद में अब मेरे को, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास में एक कोयल है, यह कोयल मेरी कौन सी कोयल है, आप चेक कर सकते हैं। ये आप कोयल को एडिट भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी को, नेकेट एंड सेट कोयल, रीसेट कोयल कर सकते हैं, बट मेरे को ये सेम चाहिए इसलिए मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। एंड देन यहाँ पर एडिट कोयल टाइप आप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी ये जो है एक मोटर है, ये मेरी मोटर के अंदर ये कोयल गई हुई है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखेंगे आप मोटर में आ गया है। अब मेरे को इसमें एक स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन भी क्रिएट करना है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे, यानी कि अगर आपको लेफ्ट साइड में, यानी कि इट मीन्स ये जो मेरा मोटर है इसके इस साइड में अगर कोई ब्लॉक क्रिएट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा और ये जस्ट एंटर कर दूँगा। यहाँ पर मेरे को दो चाहिए, एक स्टार्ट के लिए, एक स्टॉप के लिए, तो दो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं। अब इसमें ये फर्स्ट जो बटन है इसको मैं क्या कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट जैसे करूँगा मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन लिख देता हूँ इसमें, और ये स्टार्ट हो गया है, पासवर्ड बटन आ गया है मेरा। इसकी वैल्यूज़ आप चेक करेंगे तो मैं इसकी वैल्यूज़ भी आपके देख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए एडिट कॉन्टैक्ट टाइप जो रहेगा मेरा नॉर्मली ओपन टाइप है, यहाँ पर नॉर्मली ओपन टाइप मेरा आ गया है। देन इसके बाद में ये मेरे को स्टॉप में यूज़ करना है, तो ये NC होना चाहिए, इसलिए मैं जाके इसको नॉर्मली क्लोज कर दूंगा। ये NC यूज़ कर लिया। एंड देन इसके बाद में मैंने इसको कनेक्ट किया है और इसको लिख दिया है मैंने, ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे आयो जो भी रहेंगे उसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से स्टार्ट का हो गया, स्टॉप का हो गया और इसके बाद में ये वैल्यू आ गई। अब ये जो मेरी ऊपर में जो हम वेरिएबल्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरी सबकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 कर दी है, और 0 करने के बाद में अब मैं, ये मेरा प्रोग्राम जो है रेडी हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को मैं कैसे चेक करूँगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एडिट बॉक्स में जाता हूँ, चेक ऑप्शन में जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई किसी तरह का एरर नहीं है। अब इससे जो है, अब मुझे चेक करना है ऑनलाइन जाके कि कैसे ये चेक करना है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं सबसे पहले क्लोज़ कर लेता हूँ, ये जस्ट यस करके मैं सेव कर लूँगा इसको, ये सेव हो गया है। और जस्ट मैं जब मेन वाली सीट में जाऊँगा, इस सीट में जाके टेस्ट मोड पे मैं ओपन करूँगा, इसके बाद में मैं सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू कर दूँगा। कॉल रिस्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं कंटिन्यू ले लूँगा और यहाँ से मैं ये कंटिन्यू कर लेता हूँ। कुछ वार्निंग शो कर रहा है मेरे को ये, और मेरा टेस्ट मोड स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में जस्ट मैं डबल क्लिक करूँगा, आप देख पा रहे हैं इधर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और इसको ऑन करूँगा, मेरा मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज मेरा NC है। और अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको ऑन करूँगा तो मेरा मोटर स्टॉप हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे है, यहाँ से आप लैडर लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने एक सिंपल आपको जस्ट स्टार्ट टू स्टॉप पुश बटन वाला मैंने ये कॉन्टैक्ट बना के दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पैरेलल ऑपरेशन में लैचिंग करके देखेंगे, देन इसके बाद में हम टाइमर ऐड करेंगे, बहुत सारे कॉन्टैक्ट धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।